नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्माती रहती है। कभी यहाँ चुनाव की राजनीति होती है, कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, कभी धार्मिक मुद्दों की राजनीति होती है, तो कभी मदरसा बोर्डों की राजनीति होने लगती है, कभी सर्वे की राजनीति होती है, तो कभी अगर छापे पड़ते हैं उसमें भी राजनीति होती है। यानी विपक्ष राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और जब भी कोई भी एक हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में होती है, तो उस पर लोगों के बयान आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो मुद्दा जायज है या गलत है, इस पर फैसला करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। पर कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बोलना, हर मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और हर मुद्दे पर बयानबाजी, ये तो फिर भारतीय राजनीति के समय व्यवस्था ही बन चुकी है। आज जो मुद्दा है, मुद्दा बड़ा अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मदरसों के सर्वे के बाद उनको आधुनिक करने के प्रयास में अलग तरह की पटकथा चल रही है और लगातार मदरसों को हाईटेक करने के लिए प्रयास सरकार का जारी है। अभी हाल में सर्वे हुआ और बड़ी संख्या में यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मिले। खैर, उन मदरसों के अलग यहाँ पर एक मामला और अभी हलचल में आया है, वो यह है कि मदरसों में हर शुक्रवार को यानी जुमा पर छुट्टी होती है और छुट्टी को लेकर यहाँ पर एक संशय बना है और एक संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने ये प्रस्ताव रखा है कि जो छुट्टी शुक्रवार को होती है उसको शुक्रवार को न कर जो साप्ताहिक अवकाश यानी रविवार को होता है उसको किया जाए। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया भी लोगों की आ गई है कि भाई ये क्यों करवा रहे हैं, जब मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी होती है तो साप्ताहिक अवकाश रविवार को कराने की जरूरत क्या है। आधुनिकीकरण अलग बात है, व्यवस्था अलग बात है, बेहतर शिक्षा अलग बात है, बेहतर पहल अलग बात है, पर यहाँ पर मदरसों को छुट्टी से आधुनिकीकरण का क्या लेना देना। फिलहाल इस पर कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है, इस बात पर गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है, तो देखिए आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे, बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की, एक घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है, अगली बैठक मुझे लगता पास हो जाएगा। माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव चला जाएगा, निर्णय उनको लेना। इतराजात ये है कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अजल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है, और इसके अलावा जुमे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रह जाएगा, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यह है कि जो मदरसे के ड्रेस कोड की बात है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ड्रेस कोड जब लागू होगा तो ड्रेस कौन मुहैया करेगा, उसके लिए मदरसा बोर्ड भी बाकायदा इसको संज्ञान ले, लिहाजा एक बार पुनः विचार कर लें। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और मेहमान कुछ देर मामा से रूबरू हो गए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल में सर्वे चल रहा था और सर्वे पर भी जमकर सियासत हुई। सियासत तो मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक व्यवस्था बन चुकी है, सियासत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सर्वे के बाद जो आंकड़े सामने आए, अगर सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है, अगर मदरसों की शिक्षा को बेहतर करना चाहती है और जो वहाँ पर छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं उनको बेहतर एक आधुनिक व्यवस्था से रूबरू कराना चाहती है, तो दर्द किस बात का है। और दर्द के साथ साथ अगर यहाँ पर छुट्टी के लिए जो इस तरह से चर्चा की जा रही है कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश किया जाना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है। अगर कर रहे, उन्होंने कहा कि भाई जुमे पे अगर आप छुट्टी कर रहे हैं तो दो घंटे का वो आपको अवकाश की व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए आप दो घंटे के लिए हमारे यहाँ पर छुट्टी दे रहे हैं, पर इसके अलावा अगर साप्ताहिक अवकाश की बात करें तो साप्ताहिक अवकाश रविवार को यहाँ करना चाहिए। खैर, अगर इस मुद्दे को थोड़ा सा और वैश्विक स्तर या अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं तो तमाम तरह के मामले भी हाल में ही सामने आए थे कि बिहार में कई स्कूलों पर, झारखंड में कई स्कूल और छत्तीसगढ़ में कई स्कूलों पर जो कि मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए थे या जिन्होंने मुस्लिम संख्या के लोग ज़्यादा पढ़ते थे, बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी कहा जाता रहा कि वहाँ पर जो रविवार का हमारा अवकाश होता है एक जो स्कूलों में, वहाँ पर भी अवकाश शुक्रवार को कराया जाता था और उस पर भी तमाम प्रश्न उठे।
उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया और वहाँ के प्रधानाचार्य जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी अपनी सफाई दी कि क्यों कराए जाते थे और अगर हो रहे हैं तो उसको बंद किया जाना चाहिए। ये तो स्कूलों की बात हुई, यहाँ मदरसा की बात नहीं करूँ केवल स्कूलों की बात करूँ। ऐसे कई मामले बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आए थे, अभी हाल में ही चर्चा के विषय बने भी थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि छुट्टी छुट्टी अगर करा रहे हैं तो उसको साप्ताहिक कराने का ज़रूरत क्या है, अगर ज़रूरत है तो इसके बेहतर आधार क्या है, और अगर आधार है तो आधुनिकीकरण से इसका क्या जुड़ाव है, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी हलचल होती है तो उसमें चर्चाएं जरूर होती हैं, और इसलिए चर्चाएं करना हम जैसे खबरनबीसों का एक नैतिक कर्तव्य भी है और शायद जिम्मेदारी भी, और इसी जिम्मेदारी को रूबरू कराने के लिए आज इस विषय पर चर्चा रखी गई है। आपको आज के मेहमानों से रूबरू करा दूं, आज सपार भाई नेता भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी भाई अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा अपना पक्ष रखेंगे और सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। सपार भाई, भाई आप भी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और अगर यहाँ पर छुट्टी के लिए चर्चा की जा रही है, हालांकि अभी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, केवल चर्चा की जा रही है, प्रस्ताव रखा गया है ड्रेस कोड को लेकर, प्रस्ताव रखा गया है साप्ताहिक अवकाश रविवार को करने को लेकर और शुक्रवार को 2 घंटे की छुट्टी आपको दे दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करने की शुरुआत की जा रही है और कमर अली ने इस तरह का एक प्रस्ताव वहाँ पर मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में रखा है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी सभी को मेरा नमस्कार। मदरसा बोर्ड के जो सदस्य हैं हमारे भाई कमर अली जी, जी उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है, जी ये मुद्दा इससे पहले भी उठ चुका है, जी कि मदरसों में जो है वो छुट्टी जो है वो रविवार को होनी चाहिए, जी मैं उसको दूसरे तरह से कहूँगा, जी ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, जी नहीं प्रस्ताव रखा है ना उन्होंने, प्रस्ताव रखा और एक व्यक्तिगत बयान भी उनको कह सकते हैं, उन्होंने मदरसे की आज मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने उसको रखा होगा और उन्होंने टीवी पर भी मैंने आपके देखा वो बोल रहे थे। जी मेरा कहना ये है जी कि ये भारत है, जी जब मुगल आक्रमणकारी इस देश में आए तो मदरसों की व्यवस्था हुई और चूंकि ये है कि जुमे में नमाज जुमे की होती है तो इसलिए मदरसों में छुट्टी रखी गई कि जुमे को लोग सुबह उठ के तैयारी करेंगे नमाज पढ़ेंगे, जी लेकिन ये नमाज जुमे की जो है वो मेरा कहना ये है कि वो फर्ज नहीं है, वाजिब है। अच्छा, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो रविवार है, रविवार की जो छुट्टी है, मैं तो आपके चैनल से योगी जी से कहना चाहूंगा जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा कि जो रविवार है कम से कम वो उत्तर प्रदेश में 70 सालों के बाद जो सरकार आई है वो सनातनी विचारधारा की सरकार है। अच्छा। और चूंकि जो उत्तर प्रदेश है वो अवध के नाम से जाना जाता है, अवध की नगरी कहा जाता है और जो अवध की नगरी भगवान राम के नाम से जानी जाती है, मेरा कहना ये है कि इस अवध की नगरी में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं वो क्योंकि देखिए जो आपका जो है क्या कहते हैं जो इतवार है वो जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जब शासनकाल था यहाँ पर, जो शासनकाल नहीं कहेंगे वो भी आकर के इन्होंने भारत पे कब्जा किया था, जी तो उन्होंने चूंकि अंग्रेज जो थे वो इतवार को चर्च जाते थे, अच्छा तो जो उन्होंने सरकारी व्यवस्था जो उनकी चली तो इतवार को, संडे को, रविवार को वो छुट्टी रखते थे। अच्छा। लेकिन चूंकि सरकार अब सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस विषय को अब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए और जो छुट्टी है वो इतवार की बजाय मंगलवार को करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मंगलवार को छुट्टी जो है वो हनुमान जी का दिन होता है और हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हैं वो उस दिन मंदिर में जाते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या व्यापार करने वाले हों, तो मंगलवार को वो व्रत भी रखते हैं और मंदिर भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, इसलिए ये छुट्टी मंगलवार को होनी चाहिए। रविवार को ही मंदिर जाते हैं। रवि नहीं नहीं रविवार को, चूंकि देखिए ये रविवार जो है कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरफ ले जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। रविवार को क्रिश्चियन समाज जो है वो अपनी चर्च में जाता था, तो उस छुट्टी को खत्म करके हमें जो है वो मंगलवार को छुट्टी। आपका कहना है कि जिस बार में रविवार को छुट्टी होती है
बैंकों से लेकर सारे अधिकारी कार्यालयों में सभी जगह जो उस रविवार की छुट्टी को खत्म करके और शुक्रवार की छुट्टी को खत्म करके एक छुट्टी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मंगलवार को, ठीक है, क्योंकि मंगलवार बजरंगबली का दिन है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से। बोला कि आपको कह दिया है कि शुक्रवार छुट्टी बंद होनी चाहिए और रविवार न करके आपने कहा कि मंगलवार को, यानी शुक्रवार छुट्टी बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। बेबी भाई भैया सपाल भाई तो यहाँ अलग ही मुद्दा लेके चले गए, कमरवली की बात को लेकर रविवार की जगह मंगलवार को चले गए हैं। आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मैं क्या कहना चाहेंगे भाई? उपस्थित सभी पैनलिस्टों का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सम्मान अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए छुट्टियों की बात हो रही है जी, मुझे लगता है कि एक विशेष धर्म के सांस्कृतिक विषय को लेकर के आज जिस तरीके की परिचर्चा की, बिल्कुल जफर भाई ने बहुत सही बात कही कि अगर किसी नेता ने कोई बयान दिया ये उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है, पार्टी लाइन से तो अभी तक कोई बात आई नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को अगर छुट्टियों पे काम करना है, छुट्टियों पे बात करनी है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की छुट्टियों पे बात की जाए, कमिश्नरी की बात की जाए, जहां लगातार मुझे लगता है 3-4 साल से या जब से इनकी सरकार आई है लगातार छुट्टियां बंद चल रही हैं जवानों की। अच्छा। सालों साल वो ड्यूटी पे बने हुए हैं, 8 से 14 घंटे की जो वर्किंग टाइम है उनकी, कमिश्नरी तक की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। जहां पे कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई केवल आंदोलनों के दमन के लिए, विपक्षियों को दबाने के लिए। अच्छा। लेकिन छुट्टियां नहीं दी जा रही है गौरव भाई, रैंडम में बता रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश के 75 जिले में किसी भी थाने पे फोन करके पूछ लीजिए इसी डिबेट में लाइव। अच्छा। कि उस थाने पे छुट्टियां कैसे दी जा रही हैं? कभी इलेक्शन के नाम पे, देखिए इसका दो परिप्रेक्ष्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसे राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को ग्रहित करता है जहां पे लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई ना कोई चीजें चलती रहती, चुनाव का माहौल बना रहता। तो इन सब छुट्टियों को लेकर जब चर्चा हो रही है तो मुझे बड़ा थोड़ा सा असहजता इससे महसूस होती है कि एक संस्था जहां पे लगातार 3-4 लाख फोर्स के जवान जिनको छुट्टियों से दूर करके लगातार ड्यूटी पे मशीन की तरह झोंक दिया गया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक धर्म के ऊपर प्रहार करने की, कटाक्ष करने की या उस पे कहीं ना कहीं कुठाराघात करने की, उस धर्म की व्यवस्था पे। भाई भाई साहब जो भाजपा के थे बहुत सही बात बोली उन्होंने, अच्छी बात है कि आपने हिंदू धर्म के लिए सोचा और उसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी की, मैं उसका स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप धार्मिक मान्यताओं पे कुठाराघात करना चाह रहे हैं, आप धार्मिक मान्यताओं पे सवाल उठा रहे हैं, आप मुस्लिम समुदाय की एक चली आई विगत परंपरा, क्योंकि जो हमारे भाई बैठे हैं भाजपा के वो भी कहीं ना कहीं इस परंपरा का हिस्सा रहे होंगे एक समय में। और सबसे बड़ी बात दुख ये होता है देख करके कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से योगी जी से इन्हें निवेदन करना पड़ रहा है, मतलब सोचिए योगी जी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। अच्छा। वरना ये तो इतने सज्जन पुरुष है कि ये तो स्वयं मिल करके ये बात रख देते उनके सामने, वो मान भी लेते शायद। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब अपने ही कार्यकर्ताओं को अवहेलित करेगी, जो राजनीतिक दल अवहेलित करेगा, जिसका राजनीतिक दल को यही नहीं पता कि वो कब मुख्यमंत्री पद को ग्रहित कर रहा है या वो राजनीतिक दल का हिस्सा है। अच्छा। वो कभी फायर ब्रांड बन के प्रचार करते हैं काम को छोड़ करके, प्रदेश के विकास के जमीनी कामों को छोड़ करके कहीं ना कहीं चुनाव में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की स्थिति है कि मीडिया के माध्यम से ही तो वो योगी जी ना जाए, प्रचार करने ना निवेदन जाए, भी करते। मैंने कुछ नहीं कहा, भाई साहब ने निवेदन किया, मैं तो उस निवेदन को आगे बढ़ा रहा हूँ कि योगी जी थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनिए और जो हमारे राजनीतिक प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, इन जैसे गंभीर और सजग कार्यकर्ताओं की बात सुनिए। क्योंकि देखिए अपने नंबर बनाने के लिए भाजपा में, आपको याद होगा जेपी नड्डा जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि एम्स 95% बनके तैयार था मदुरई का। अच्छा। और जब वहां पे जांच की गई तो पता चला जमीन समतल खड़ी है। अच्छा। तो भाजपा में जो जितना नंबर जिसको बढ़ाना होता है, पद बढ़ाना होता है, कद बढ़ाना होता है, उसको उतना बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ बोल रहा है क्या? साधुवाद देता हूँ सपा का, झूठ बोल रहा है क्या? जो भाई बैठे हैं सुन तो लीजिए, मैं साधुवाद दे रहा हूँ जो मेरे भाजपा के भाई बैठे हैं। हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं लेकिन देखिये मानसिक विरोध नहीं है, सामाजिक विरोध नहीं है, आपसी विरोध नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक दूसरे की कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं एक दूसरे को जगाते हुए। समर्थन देंगे यही बात की जी विवेक भाई, क्या कह रहे हो? जो ये मनरसों वाली छुट्टी की बात चल रही है, जो कि प्रस्ताव कमर अली रखे हैं, इसको आप समर्थन देंगे या इसको विरोध करेंगे? भाई देखिए इसको समर्थन देने की बात कैसे मैं इस पे हाँ या ना करूं जब उनकी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ही उनको समर्थन नहीं दे रहे। उन्होंने बहुत सही शिष्टाचार की बात की कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, एक धर्म के सांस्कृतिक जो परंपरा। पर उन्होंने ये तो कह दिया शुक्रवार को छुट्टी ना कराएं, सवाल भाई ये बोले हैं कि शुक्रवार को ना कराएं और रविवार को भी ना करा के मंगल करा दें,
पर शुक्रवार को देखिए, मैं आपको बड़ी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, ये इनका इतना भी अपना वक्तव्य था, इन्होंने मंगलवार हिंदुओं के लिए कहा, लेकिन ये उस विषय से कन्नी काट गया, आपने इस चीज को भी ध्यान दिया होगा, ये उस विषय में बोले ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मुस्लिम समुदाय की परंपरागत त्योहार का विषय है, ये कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा विषय है और ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। इस पे मुस्लिम नेताओं को आगे आकर के, मुस्लिम नेताओं को बैठ करके इस पे आपसी सहमति से कोई विचार लेना चाहिए। लेकिन जहां तक विवेक जी व्यक्तिगत बात है, कोई विवेक जी, भारत भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। भाई मुझे लगता है कि हम तो संविधान के दायरे में ही रहते हैं, संवैधानिक बात ही करते हैं, तभी मैंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज के जो बहु जो परंपरा जो आप ही लोग जो मुस्लिम समाज के लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो बैठ के तय करें। भाई इसको आप संविधान या परंपरागत बात करेंगे तो ये तो आपके राजनीतिक दल के नेता ने कहा है, पूछिए जा करके ना, ये सवाल उनसे पूछिए, पूछने का क्या मतलब? समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं है ये? ठीक है ठीक है, किसका एजेंडा है? बीजेपी का एजेंडा है क्या भाई? नेता तो इनके हैं, बयान इनके नेता ने दिया, तो एजेंडा भी उन्हीं का होगा। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ मेरा एजेंडा तो यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की छुट्टी कब से शुरू कर रही है? प्रदर्शन करिए, लाठीचार्ज नहीं करेंगे, बहुत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अरे सुन लीजिए, प्रदर्शन करिए, आपने बहुत तारीफ कर ली, लाठीचार्ज नहीं होगा। आपका नेता बयानबाजी करेगा, प्रदर्शन हम करें जाकर के जी? आप तारीफ कर रहे हैं ना, बन के बैठे हैं, प्रदर्शन हम करेंगे, आप तारीफ कर रहे हैं ना, बात होती है, कह रहा हूँ आइए प्रदर्शन करिए, अपने मुमिया बिट्टू बनने वाली बात है। नहीं, आप बताइए, मंगलवार को छुट्टी है तो आप विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? प्रदर्शन हम करेंगे, मंगलवार की छुट्टी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? विवेक जी आप बता दीजिए, आप क्या कर रहे हो? सवाल 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 भाई, क्यों करनी अगले राउंड भाई? विवेक जी समाज से आते हैं जी, बोलिए बोलिए सपर भाई, बोलिए क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए सपर भाई। विवेक जी, विवेक जी मेरी आवाज आ रही है? आप मंगलवार की छुट्टी का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? क्या कह रहे हैं? मंगलवार की छुट्टी का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे हमारे साथ? भाई प्रशासनिक अमला अगर इसको पास कर देगा तो सबको मानना पड़ेगा, अब मानना चाहिए। और मैंने जो बात कही, मैंने जो मंगलवार की छुट्टी की बात कही, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे मंगलवार की बात नहीं है, नहीं मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए कि ये देश बताइए शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? आप समर्थन करते हैं कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं समर्थन आप करते हैं? मैं जुमे की छुट्टी के समर्थन में नहीं हूँ। छुट्टी जो है वो मंगलवार को होनी चाहिए, छुट्टी मंगलवार को होनी चाहिए और रविवार जो है वो गुलामी, छुट्टी जो है गुलामी का प्रतीक है। अच्छा। रविवार की छुट्टी को खत्म करके मंगलवार की छुट्टी होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत बयान है जी। नहीं नहीं ठीक है, योगी जी ये मेरा अपना व्यक्तिगत बयान है। और देखिए आपके यहाँ मुख्यमंत्री से लड़ते झगड़ते होंगे, धक्का देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ निवेदन ही किया, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही करूंगा कि आप पहली बार इस देश में सनातनी सरकार आई है, तो जब यहाँ पर सनातनी सरकार है तो सनातन के हिसाब से जो है मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि मंगलवार बजरंग बली का दिन है, लोग व्रत रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और नमाज मुसलमानों का व्यक्तिगत मसला है, उनकी अपनी शरीयत है, वो नमाज जुमे को पढ़े, उस दिन दो घंटे की छुट्टी दी जा रही है, बहुत है। और नमाज मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश, जिस तरह बॉम्बे के अंदर एक समय पर नमाज होती है सभी मस्जिदों में, उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक समय पर नमाज होनी चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो और दो घंटे का समय दिया जाए। भाई सवाल भाई, सवाल भाई, विवेक कुछ बोल रहे हैं, विवेक भाई बोलिए बोलिए। आइए मंगलवार को आरती करवाते हैं आपसे, और चलिए हम चलेंगे आपके वहां पे, चल के आपके साथ प्रार्थना करेंगे। चलिए अयोध्या चलते हैं आरती करने, चलिए साथ में चलता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? आरती करने में क्या दिक्कत है? यही 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 नफरत आप फैलाते हैं, होली खेलो तो आपको पाप पड़ेगा, यही नफरत फैलाते हैं। आइए मैं चलूंगा आपके साथ, मैं गया हूँ राम मंदिर के दर्शन करने, मैं गया हूँ मथुरा, लगाए मेरे ऊपर फतवा कौन लगाता है? उससे जो हराम काम करते हैं वो उसमें फतवा नहीं है? जकात मदरसों में जकात माफिया बैठे हुए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? हराम काम करते हैं मदरसे, गरीबों का हक मारते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि साहब जुमे को छुट्टी दे दो, छुट्टी नेता ने दिया है, बंद होनी चाहिए, नेता का विरोध क्यों नहीं कर रहे भाई? जुमे को छुट्टी बंद होनी चाहिए, नेता का विरोध कर रहे हैं, यहां पे चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इतवार गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है इतवार, इतवार को भी छुट्टी बंद होनी चाहिए। अगर जुमे को बंद हो रही है तो इतवार को छुट्टी मंगलवार को होनी चाहिए, रविवार को भी सूर्य का दिन माना जाता है, छुट्टी मंगलवार को होनी चाहिए। आप इसका विरोध कर रहे हैं या नहीं? ये पहले इन्होंने रंगों में बांटा, अब दिन में बांटेंगे।
आप इसके समर्थन में मंगलवार के या विरोध में? गौरव भाई पहले अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो इसको स्वीकार करिए, अगर आप सनातनी हैं तो इसको स्वीकार करिए। पुलिस की जारी कर दीजिए। अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए, अरे सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम करते हैं। यूपी पुलिस की छुट्टियां जारी कर दीजिए ना, बैठ के बकवास किया तो अपने नेता का विरोध नहीं कर पा रहे। नमाज पढ़ता हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ जुमे का, जुमे को छुट्टी बंद होनी चाहिए। क्यों होगी छुट्टी, किस बात की छुट्टी जी? तो जाके समझाइए अपने समुदाय को, हमसे क्यों बोल रहे हैं? समुदाय आप ही के नेता चिल्ला रहे हैं, आप ही अभी विरोध कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता ने बयान दिया, वो ठीक है, उनका अपना बयान है, मैं बयान दे रहा हूँ छुट्टी मंगलवार को होनी चाहिए। आप इसका समर्थन करिए या विरोध करिए, मैं देखूँ कितने बड़े आप हिंदू हैं, सनातनी हैं या नहीं है। सुन लीजिए, मेरे अपने लकीर के बाहर मत जाइएगा, सुन लीजिए, अपने लकीर के बाहर मत जाइएगा, वरना मैं आपको चक्कर में लगूंगा। आप बजरंगबली को मानते हैं नहीं? समझा दीजिए इनको, महीन चीजों को क्रॉस ना करें। बजरंगबली को आप मानते हैं नहीं? अच्छी बात है, आप बताइए बजरंगबली को मानते हैं नहीं? कुरान में जिक्र आया है 124,000 अंबिया है, उसमें हनुमान जी भी नबी हो सकते हैं। चलिए मैं ये बोलता हूँ, आइए बोलिए। 124,000 आप हनुमान जी को नहीं बोल सकते? आप बताइए। नहीं 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 नहीं, ये धार्मिक धार्मिक मुद्दा तो फैलाइए, आप सनातन धर्म को मानते हैं, मंगलवार की छुट्टी का विरोध करते हैं, समर्थन करिए इनको, ये गलत बात है। हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं नहीं बात है, मान लीजिए, हो गया हो गया, इस तरह बात नहीं करिए, इस तरह बयान नहीं, हमारी नहीं करिए बयान, नहीं धर्म पे बयान, धर्म पे बयान, 124,000 का बयान, नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी को नबी नहीं बोलता है, इस बात पर नहीं। गौरव भाई मैं खंडन करता हूं, गौरव भाई मैं खंडन करता हूं, ये बात अच्छी बात है लेकिन बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं नहीं समर्थन करिए, समर्थन भाई, नहीं नहीं बदतमीजी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी, ये गलत चीज है, किसी देवता पे बयान बजे, आप डिबेट करिए, जातिगत उन्माद पे फैलाइए, चल रही है। समर भाई, समर भाई प्लीज, 124,000 का कुरान में जिक्र है, समर भाई प्लीज, नहीं नहीं नहीं, नबी नहीं बोल सकते आप हनुमान जी को, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये गलत चीज, आप डिबेट करिए मुझसे, के बाद नहीं 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 नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप गलत चीज, आप के साथ भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू संगठनों को आप आक्रोशित कर रहे हैं, गौरव भाई हिंदू संगठनों को आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं, गौरव भाई हिंदू संगठनों को भड़काने का काम कर रहे हैं, गौरव भाई ये समझाइए इनको, हनुमान जी को नबी से संबोधित कर रहे, ये हिंदू संगठनों को केवल आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं, किसी देवता को किसी से संबोधित मत करें भाई, ये गलत है। नहीं नहीं मैं संबोधित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुरान, नहीं आप बोल रहे हैं, जफर भाई देखिए गलत चीज है, आपको मैं अच्छा प्रवक्ता मानता हूँ, ये चीज नहीं, नहीं जफर भाई, राम जी को इमाम हिंद कहा जाता है, जफर भाई प्लीज, नहीं 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 जफर भाई गलत जाता है, जफर भाई आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, जफर भाई गलत कहे भाई, गलत है, और किसी देवता को संबोधित मत करिए, सफर भाई अपने इस बात के लिए आप माफी मांगे, सफर भाई मैं आपको गंभीर प्रवक्ता मानता हूँ, देखिए आप डिबेट करिए लेकिन इस तरीके से नहीं, देखिए ये धार्मिक उन्माद में बदल जाएगा मामला, आप समझिए बात, धार्मिक मैंने विवेक जी कहा कि कुरान में एक, अरे जफर भाई सुनिए, मेरी मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप हिंदू संगठनों को आप मौका दे रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप हिंदू संगठनों को गलत मौका दे रहे हैं, कल इसी बात का देखिए राजनीतिकरण करके देखिएगा, आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ को ले जा रहे हैं, आप भड़काने का काम कर रहे हैं, हो गया भैया, मेरी बात को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप बड़े मत करें प्लीज, हो गया हो गया, आप मेरी बात को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, मेरी बात को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, सफर भाई और मैं मान लिए, मेरी बात को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, विवेक जी आप मेरी बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस तरह का बयान क्लियर में बोल रहा हूं, एक लाख तरह के शब्दों का प्रयोग, सफर भाई प्लीज प्लीज, हो गया, एक लाख और मैं मान लिए, और मैं मान लिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, निवेदन कर रहा हूँ, राजनीतिक विरोध है ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें अच्छी नहीं है, ठीक है ठीक है, तकी भाई भाई यहाँ पर अगर मदरसा में इस तरह की एक बात की जा रही है कि शुक्रवार की छुट्टी रविवार को की जाए और जुमे के लिए 2 घंटे की छुट्टी अलग से दे दी जाएगी, और इस फैसले पे क्या सोचते हैं, कि इस प्रस्ताव पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? फालतू अकल मुझ में थी नहीं, अच्छा मजहबी बहस मैंने कभी की नहीं, अच्छा मेरी आवाज सुन लीजिए, क्या भारत की इकोनॉमी $20 trillion की हो गई है, क्या सबको नौकरियां मिल गई हैं, अच्छा। क्या हमारे देश के सारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, क्या हमारे गांव बुक सड़कों से जुड़ गए हैं, क्या सारे सड़क गड्ढे भर गए हैं, अच्छा। क्या सारे अस्पतालों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा। सारे थानों का अधिग्रहण हो गया है, क्या महिलाओं को सम्मान मिलने लगा है, अच्छा। क्या हमारी व्यवस्था सारी दुरुस्त हो गई है, क्या डेंगू मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, क्या हमारे हमने नासा के बराबर अपने इसरो को बना लिया है, कि चांद पे हमने कॉलोनी बसा ली है, अच्छा। क्या कर लिया हमने भी, अच्छा। अभी देश को इस तरह के उन्माद में फंसा के देश का समय बर्बाद करके
क्या आप हासिल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, वहां किसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर मेरे छात्रों पे गोलियां नहीं चल रही होंगी, वहां कहीं यूपीएससी में नौकरी मांगने वाली छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं रहा होगा और जाड़े की रातों में उनसे कंबल नहीं छीना जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ महिलाओं को अगर महिलाएं बता रही उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो थाने में उनके पिता को पीट पीट कर नहीं मार डाला जा रहा होगा। अच्छा, अगर ये सब हमने अचीव कर दिया है और सब हम कर चुके हैं तो फालतू बकवास करें बैठ के हम। अच्छा, ये फालतू की बकवास है। अगर कोई संस्थान पिछले 70 सालों से लगातार फ्राइडे की छुट्टी कर रहा है तो क्या परेशानी उसके अंदर। और हर हर नौकरी के अंदर आदमी को अधिकार होता है, चाहे सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, वो अपनी सुविधा अनुसार कोई चीज सुनिश्चित करके छुट्टी ले सकता है। मैं खुद फ्राइडे की छुट्टी लेता हूँ अपनी कंपनी में और संडे की छुट्टी लेता हूँ, 5 डेज वर्किंग करता हूँ, कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं सालों से काम कर रहा हूँ जी। तो आपका ऑब्जेक्शन अगर आपका अगर ऑब्जेक्टिव है विवाद उत्पन्न करना और एक बहस फालतू करना ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए क्या? क्या गैस राजस्थान में तो कांग्रेस करीब 500 रुपए मिलेगी, क्या यूपी मिलने लगी है क्या? अच्छा, क्या जो अभी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है, 10% दोबारा फिर बढ़ा जा रही है, पिछले कोरोना के बाद से व्यापारी लोग कितने परेशान है और आपने 20% तक फीस बढ़ा दी स्कूलों की, पेरेंट्स परेशान है और जीएसटी को लेके जो लोगों ने अपने हफ्ते पर परेशान है और शटर बंद रखे और व्यापारियों का बात व्यापारी आप जा रहे हैं वहां इंटरनेशनल समिट करने के लिए और विदेशों में जा रहे हैं। तो ये बताइए मुद्दे, अगर मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं तकी भाई, स्कूलों से तमाम मुद्दों की आपने बात कही, तो ये मुद्दों के लिए सरकार से लड़ेगा कौन? अगर स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है कौन लड़ेगा? आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों के ऊपर लड़ रही है, आवाज उठा रही है, हमने महंगी बिजली की मुद्दा उठाया, हमने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, हमने जल जीवन घोटाला जो उसका मुद्दा उठाया, हमने राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी हुई, जो भूमि की चोरी उसका मुद्दा उठाया, हमने लगातार कहा दिनेश खट्टक ने जो आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर परमिशन लगे, लगातार हमने मुद्दे उठाए और आम आदमी की पार्टी के बाद इतनी फालतू बातें जनता की बात करना चाहिए। अगर कोई संस्थान चल रहा है 70 सालों से तकी भाई, मदरसों में गरीबों का हक मारा जा रहा है, उसका मुद्दा कब उठाएंगे? उठा लेंगे ज़कात माफिया बैठे हुए हैं जो इनके ऊपर आवाज कब उठाएंगे? सबसे ज्यादा सरकार मार रही है। अच्छा, बताइए ज़कात माफिया गरीबों का हक मार रही है? अरे भाई साहब, सरकार को जवाब जनता को देना है, इसका मुद्दा कब उठाएंगे? जब ना अपनी जनता को परेशान कर रहा है, सरकार जो दोहन कर रही है पेट्रोल डीजल सब महंगा करके जनता को सरेआम लूट रही है और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं दे पा रही, प्राइवेट में अस्पतालों में मजबूर होने लोग इलाज कराने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, घर के बर्तन बिक रहे हैं, उनके घर के जेवर बिक रहे हैं, उसके लिए कौन जवाब देगा जी? तकी भाई आप जवाब दे दो, सरकार के पास जवाब नहीं होता, सरकार ऐसे फालतू मुद्दों को लेकर आती है। तकी भाई सवाल किस बोल रहे हैं जी? ये ज़कात माफियाओं के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे जो गरीबों का हक मार रहे हैं? हमने तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सारे आवाज कब उठाएंगे? जितने भी माफिया हैं, जितने माफिया जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उन सबके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रुकता सवाल उठाई है। और कोई भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी किसी भ्रष्टाचारी को रोकने वाले नहीं है। हमने राम जन्मभूमि घोटाला बहुत गर्म उठाया था, चंदा चोरी का मामला हमने बहुत कैसे उठाया था, जिंदा चोरी के बारे में बताइए आपने बात, चंदा चोरी के बारे में आप बता दीजिए, राम जन्मभूमि घोटाला उसके बारे में आवाज उठाएगा? जो राम नाम भगवान राम के नाम के ऊपर करोड़ों का चंदा खा गए बीजेपी, उसके बाद उठाएगा? कौन खा गया तो ज़कात माफियाओं के खिलाफ बात कर दीजिए। तकी भाई कौन चंदा? तकी भाई राम मंदिर का ठीक है, आपकी बात वो ठीक है आप बोले, लेकिन ये ज़कात माफियाओं के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे? मान लिया आपने? नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा हूँ, आप बताइए ज़कात माफियाओं के बारे में, ज़कात माफियाओं के बारे में बताइए, ज़कात माफियाओं के बारे में बताइए, ज़कात माफियाओं के बारे में बताइए, ये मदरसे के ज़कात माफिया पूरे भारत में जो पहले हुए मकर जाल फैला रखा है इसके बारे में बताइए। ठीक है ठीक है, अभी बात दोबारा दोबारा ज़कात माफियाओं के बारे में कुछ जवाब दे दीजिए, ज़कात माफियाओं के बारे में कुछ बोल दीजिए। आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही, मेहनत कर रही, क्या तो रहे जमीन पर उतर रहे, जरा संघर्ष कर रहे हैं, नहीं इनसे पूछने बहुत अहम मुद्दा है ये, ज़कात माफियाओं के बारे में कब आप जवाब देंगे? बोल बोल देंगे उस दिन में, उस पे भी ज़कात माफियाओं का नाम ले लीजिए। अरे खाली बोल दीज़े, मैं इसका विरोध करता हूँ, ज़कात माफियाओं का विरोध करते नहीं,
जो गरीबों को हाथ मार रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सदा विरोध करते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। तकी भाई जकात माफियाओं के खिलाफ कुछ तो बता दीजिए। मायावती के दौर में भ्रष्टाचार हो गया, कुछ बता दीजिए। जकात माफियाओं के बारे में कुछ बता दीजिए। सारी तरह का भ्रष्टाचार समर्थन में है या विरोध में? समर्थन में है या विरोध में? जकात माफियाओं के समर्थन में है कि विरोध में? जो गरीबों का हाथ मार रहे हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। अरे बता दीजिए जकात माफियाओं के बारे में बोल दीजिए। कमाल भाई आप एक बात पकड़ लेते हैं। तकी भाई एक शब्द बोल दीजिए। तकी भाई एक शब्द बोल दीजिए जकात माफियाओं के खिलाफ। नहीं बोले, नहीं बोले। तकी भाई बोल दीजिए। नहीं बोले, नहीं। तकी भाई बोल दीजिए। अरे गौरव भाई सरकार के, तकी भाई बोल दीजिए जकात माफियाओं के बारे में बोल दीजिए। जेल में डालिए जी। जकात माफियाओं के बारे में कुछ बोल दीजिए जी। जकात माफियाओं के बारे में कुछ बोल दीजिए सरकार में। अरे अगर अरे बोल दीजिए जकात माफियाओं के बारे में, जकात माफियाओं के बारे में बोल दीजिए। अरे कुछ बोल दीजिए, हाँ या ना में बोल दीजिए। समर्थन करते हैं कि नहीं? अरे समर्थन करते हैं कि नहीं बता दीजिए। हम समर्थन करते हैं। तकी भाई हो गया, जकात माफियाओं हो गया, हो गया। बाकी मैं मान लिया। तकी भाई बोल दीजिए जकात माफियाओं को समर्थन करते हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। प्लीज दयाराम भाई बताइए। दयाराम भाई बोल दीजिए। दयाराम भाई प्लीज भी। दयाराम भाई इस तरह दयाराम भाई क्या बोलेंगे? मुस्लिम विरोधी है ये। कौन क्या बोलेंगे? दयाराम भाई मुस्लिम विरोधी कहा? ये मुस्लिम विरोधी है भाई। आज तक इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। कौन? दयाराम भाई। इनको हम पहचान गए। दयाराम भाई क्या प्रस्ताव? कभी मुसलमानों का नाम नहीं लेते अपनी जबान से। समझ प्लीज। दयाराम भाई जो प्रस्ताव कमर अली ने रखा है, उस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, और इस प्रस्ताव पे आपकी क्या राय है? सुभाष पे क्या राय है? जी 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 बोलिए। गौरव भाई मुझसे बात कर रहे हैं जी? आप इसे बोल रहा हूँ जी। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। करीबन मुझे पौन घंटा सुन रहा हूँ जी। और चूंकि अब देश में हमारे तो कुछ रहा नहीं सिवाय इसी के, रविवार को भैरव बाबा का मंदिर जाना होता है भैया। अच्छा ठीक है। शनिवार को शनिदेव मंदिर जाना होता है भैया। अच्छा। शुक्रवार को संतोषी माता का भी पूजा हम लोग करते हैं। अच्छा। बृहस्पतिवार को साईं बाबा का है, मंगलवार को हनुमान जी का है, सोमवार को महादेव गौरा पार्वती का है। मैं अयोध्या वासी हूँ खाटी। अच्छा। अगर आस्था देखा जाए तो कर्म से ही आस्था निकल के आता क्या है। बात है। बहुत भाई। मंदिर में बैठ करके भोजन नहीं मिलेगा, मस्जिद में बैठ करके भोजन नहीं मिलेगा। अगर मुझे ज्ञान और भोजन मिलेगा तो मेरा शिक्षा रोजगार दवाई मिलेगा तब मुझे मिलेगा जी। अरे जब पेट भरा होगा जभी तो हम कुछ अगाई लेंगे, अगाई लेंगे। पेट खाली है, आप कहाँ कहाँ हमें डामाडोल करोगे भाई। आज उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ गौरव भाई जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% छात्र जो है उनका फीस बढ़ा दिया गया। अच्छा। 400% छात्रों का फीस बढ़ा दिया गया। ग्रेजुएशन का फीस जो 975 रुपए था उसे बढ़ा करके 4651 रुपए कर दिया। कितने साल में बढ़ा ये बता दीजिए? सॉरी कितने साल में बढ़ाया ये बता दीजिए। फीस था एक मिनट सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। पहले सुन लीजिए भाई, कोई बीच में ना बोले। हाँ बताइए सुनाइए। मैंने कहा ना मैं खाटी अयोध्या वासी, मुझसे ज्यादा आस्था किसी की नहीं है। अच्छा। लेकिन सुन लीजिए आस्था के ठेकेदारों, क्या होता है आस्था? अरे आस्था कर्म से होता है, बकने से नहीं होता है। अच्छा। मेरे घर से जो रामलला की दूरी 27 किलोमीटर है। अच्छा। मुझसे बात करो। दूसरी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन फीस जो है 1375 था, बढ़ा करके 4651 रुपए कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अच्छा। ग्रेजुएशन फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3900 रुपए कर दिया गया। हॉस्टल की फीस 1500 बढ़ा करके 45000 रुपए कर दिया गया। काम कर रही है छात्र पिछले काम कर रही है सुन लीजिए छात्र पिछले सुन लीजिए 95-96 दिन से छात्र जो है वहाँ पे अनवरत अनशन पे है, उनकी सुनवाई नहीं है। जिस विश्वविद्यालय से किस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, मदन मोहन मालवीय को दिया, डॉक्टर कहाँ मुद्दा लेके चले गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को दिया, विश्वनाथ प्रसाद। दयाराम भाई मुद्दा कहाँ लेके चले गए? मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, पहले आप सुनिए। सुनाइए। मैं आस्था के लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरा गरीब भाई जो 1500 रुपए फीस दे करके रोड पर उतरिए ना गरीब भाई के लिए, उतरते क्यों नहीं है? उतरिए रोड पर गरीब भाई के लिए, उतरना कोई चाहता नहीं है। दूसरी बात सुनिए सुनिए। हाँ। और दूसरी बात, हमने माना आप इतवार को नहीं मंगलवार को छुट्टी दे दो, हमने कभी नहीं माना। अच्छा। एक संविधान, एक देश, एक निशान। अच्छा। तो हमारे देश में एक अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। अच्छा। सभी के गरीबों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। अरे वो तो अधिकार मिल रहा है, मुद्दा यहाँ पर दूसरा है। दयाराम भाई कि शुक्रवार छुट्टी मदरसों में,
कौन सा मुद्दा है? सुनिए देखो गौरव भाई, सुन लीजिए जी, हम आपकी जबान नहीं बोलेंगे जी। ये जो मेरी व्यथा है उत्तर प्रदेश के, वो सुन ली, समय भी हो रहा है व्यथा सुनाने के लिए, समय निकल जाएगा। बताइए बताइए बोलिए जो नहीं हमारे, हम कहना चाह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ उसको लागू क्यों नहीं करते? हाँ। आज महंगाई चरम सीमा पे उसकी बात क्यों नहीं होती? अरे फिर महंगाई पे लेके चले जाए, समस्या तो यही है ना, समस्या तो यही है, मुद्दा दूसरा है भाई। नहीं मुद्दा कैसे दूसरा है? हाँ। मुद्दा कैसे ले जाएंगे? पेट में जब रोटी होगा तभी तो हम यार भाई, मेरा मुद्दा केवल ये है कि शुक्रवार को छुट्टी मदरसों में रखने का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर क्या बोलती सुभाष पाल? नहीं मैंने कहा ना, हमारे यहाँ सातों के सातों दिन जो है हम आस्था में, सातों छुट्टी करा दे, हर कोई अपना मनाता है, छुट्टी करा दिया जाए, मनाता है। अच्छा मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ सोमवार का व्रत रखती है, हर सप्ताह सोमवार का रखती है। मेरी माँ जो संतोषी माता की पूजा करती है, मैं स्वयं हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, ये क्या बात है? अरे गौरव भाई सुनील भैया भी बैठे, उनको भी मौका दीजिए। अरे भैया दयाराम भाई, पूरा आप कहाँ पर पूरी आपने कहानी कह दी, ये बताइए सुभाष भैया को भी मौका दीजिए। सुभाषपा जो है, मैं उनकी बात लेता हूँ, उनको समय भाई बहुत, तो उनसे अच्छा मुलाकात कौन करेगा? पर दयाराम भाई यहाँ पर आप सरकार की बात कर रहे हैं, और वहां पर आपके अध्यक्ष जो है ब्रजेश पाठक से मिलने गए थे परसों, अटल से फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया, ये समझ से बेबात, समझ से परे। आप बताइए सत्ता में कौन है? अच्छा आप बताइए, चुनाव का समय बीत गया, अगर आपने विधानसभा का कोई काम कराने जाना हो तो दिल्ली में होगा क्या? अच्छा पश्चिमी बंगाल बिहार में होगा क्या? अच्छा अगर उत्तर प्रदेश के सदन में, गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक बनके लखनऊ के सदन में गए हैं, अपने विधानसभा का कोई काम कराना होगा किसके पास जाएंगे? आप बताइए, आपको बुखार होगा डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी हलवाई के पास जाएंगे? अच्छा हलवाई से आप ठीक होंगे? अच्छा आप डॉक्टर के पास ठीक होंगे ना, तो फिर बयानबाजी क्यों करते हैं? हम तो हलवाई पर नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बयानबाजी क्यों होती भाई? आप संघर्ष की बात करते हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, तो रोड पे क्यों नहीं आते हैं? केवल बात डिबेट में क्यों होती है? डिबेट में क्यों बात करती है? आपके रास्ते में क्यों नहीं आते रोड पे भाई? सुनाइए सुनाइए सुनाइए, 2022 के चुनाव के बाद भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल चुकी है, तो एक यात्रा और निकाल लीजिए अनिवार्य शिक्षा के लिए, एक यात्रा और निकालिए। दूसरी बात सुन लीजिए, 18 दिसंबर को मऊ के मैदान में हमने महिला हक अधिकार महारैली करके दिखाया। अच्छा अभी आपको फिर आपको देखने को मिलेगा, हम 18 मंडलों में कर रहे हैं। अच्छा चलिए एक सवाल रहेगा। अच्छा अरे एक सवाल धर्म भाई, एक सवाल छोटा सवाल ले लीजिए, अगला चुनाव निकाय चुनाव किसके साथ लड़ने वाले हैं, 24 किसके साथ लड़ेंगे? देखिए निकाय चुनाव में आदरणीय नेता ओम प्रकाश भाई राठौर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने निर्णय लिया कि निकाय चुनाव हम अपने दम पर रखेंगे, 24 चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। 24 चुनाव, 24 का चुनाव, देखिए वो प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। अच्छा। वो प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, निर्णय उनका है, हम लोग सेवा। अब आपका मूल लेके सुनील भाई करेंगे, ठीक है सुनील जी, लंबा समय रहा सुनील जी, कैसे देखते हैं इस तरह की जो एक प्रस्ताव मदरसा बोर्ड शिक्षा परिषद की बैठक में लाया गया? देखिए गौरव जी, जी मैं काफी देर से जी राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, जो मेन मुद्दा है जी वो में रविवार की छुट्टी का है जी। मैं देख रहा हूं कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कोई भी कदम अगर उठाती है तो उसे तुरंत हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया जाता है जी, चाहे सीए का हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे और मुद्दे हो, चाहे सर्वे का हो, सर्वे का हो जी। सर्वे में भी इतना मुस्लिम वर्ग को गुमराह किया गया कि आपके मदरसे बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये होगा वो होगा। अच्छा, लेकिन कहीं ना मदरसे बंद हुए, झूठा प्रचार किया गया, नहीं कुछ। अरे विपक्ष मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा तो है नहीं, सड़क पे तो आप आएंगे नहीं, आप बताइए सड़क पे आता हो महंगाई के लिए? टीवी चैनलों पर हम भी बात करते हैं महंगाई भ्रष्टाचार की, दिखाई नहीं दिया हमको, बहुत समय दिखाई नहीं दिया। एक जमाना था जी गौरव जी, जी कि छात्र आंदोलन करते थे जी, महंगाई भ्रष्टाचार लेके जी, इन स्वाइक ले लीजिए विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद मैं भी रहा हूँ कभी जी, ऐसे संगठन करते थे, राजनीतिक दल छोड़ दिए। आज राजनीतिक दल इतना खुद है, मुझे लग रहा है भयभीत हो गए हैं, भयभीत हो गए कि जनता के बीच में मुद्दे रखने की स्थिति में, क्योंकि उन्हें लग रहा है आज से अधिक संपत्ति में कहीं सीबीआई ना जाए, कहीं ईडी ना जाए, तो बोलना तो मजबूरी है। तो ये बताइए अगर गलत है तो सीबीआई ईडी क्या कर लेगी हमारा? नहीं अरे जब आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके आप करोड़ों रुपए संपत्ति बनाए हैं, तो ईडी नहीं क्या हम पूछेंगे उससे? हमारी पार्टी वाले ही बनाए क्या? मुस्कुरा रहे बहुत देर से। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, मैं पहले विवेक भाई पे आ रहा हूँ अपने। मैं नहीं बोला हूँ, मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो किराए पे हुआ करते थे, वो आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा?
तो आप आपके नेता से मिलते हैं, आप रोड पे आइए, सरकार कहीं यहाँ घुस जाते हैं, कहीं वहाँ घुस जाते हैं, आप रोड पे आइए और कहिए योगी आदित्यनाथ जी से और नरेंद्र मोदी जी से कि आप बहुत भ्रष्टाचारी हैं, आपने भ्रष्टाचार किया, जनता दिखाइए तो कम से कम। अरे उठाइए ना, मैं कहता रहा हूँ, आइए रोड पर आऊँ। मैंने सदैव कहा है कि विपक्ष मुद्दा यही, विपक्ष आए महंगाई के लेके, भ्रष्टाचार को लेके, शिक्षा को लेकर के आप सड़क पे आए तो कम से कम जनता को लेके एक साल तक रोड पे रखा, तो किसान मर जाते लेकिन। अरे बड़े पत्रकार बोल रहे, बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल रहे, दयाराम भाई, दयाराम भाई ये बड़े पत्रकार बोल रहे, बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल रहे भाई। मैं सबसे ज्यादा विवेक भैया का जवाब देना चाह रहा हूँ कि पुलिस में छुट्टी को लेके विवेक जी हरदास राव डीजीपी थे, हमसे ज्यादा किसी ने लिखा हो, ये कलम साक्षी है, सबसे ज्यादा मैंने लिखा कि पुलिस वालों को भी अवकाश मिलना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, पारिवारिक स्थिति खराब हो रही है, आदमी कितना काम करेगा। डीजीपी साहब बुलाए हमको और बुला चैम्बर में कहा उन्होंने कि त्रिपाठी जी कलम बंद कर दीजिए, हमारे वहां अखबार ले लेके आप कह रहे हैं लोग, उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। मैं भी चाहता हूं कि जैसे सबको अवकाश मिलता है ऐसे हमारे पुलिस भाइयों को भी अवकाश मिलना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन ठीक हो और पारिवारिक जीवन ठीक हो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं तकी भाई के ऊपर। तकी भाई ने कहा कि भाजपा ने ये किया वो किया, आप बताइए पंजाब में जब से आप गए हैं कितने हिंदू नेता मारे गए, पंजाब सफल नहीं रहा है आपसे। अच्छा, सारी आतंकवादी गदियां आज रोज देखिए टीवी चैनलों पर, हथियार आ रहे हैं पड़ोसी देश से, कहीं कुछ आ रहा है, इसका मतलब आप पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जब पंजाब नहीं संभाल पाएंगे तो भारत कहां संभालेंगे, दिल्ली छोड़ दीजिए। अच्छा, ये मैं मेरा चिंतन बनाना के लिए है कि आप पंजाब में ध्यान दीजिए। गुजरात सरकार बनाने जा रहे थे भाई, गुजरात बन गई, नहीं बन गई, केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाते हैं, पंजाब एक बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान से अटैच है, तो वो गृह मंत्रालय के लिए भी है और अच्छा मंत्रालय के लिए भी, इसके पास सवाल उठा रहे हैं आप। अच्छा, सिर्फ आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाने से आप बच नहीं सकते, सरकार तो अगर वहाँ हथियार आ रहे हैं तो कहाँ से हथियार आ रहे हैं, सरकार ये तो गृह मंत्रालय बताएगा, ये तो रक्षा मंत्रालय बताएगा, सरकार तो मुख्यमंत्री है लेकिन ये गृह मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय का मामला है, सेंटर तो है, अगर हथियार के 47 वहाँ पे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी इससे पहले नहीं आ रहे थे, इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे। अच्छा, सरकार आपकी आई इससे पहले पंजाब में आतंकवाद नहीं था बिल्कुल। अच्छा, तो आपके आने बाद आतंकवाद हो गया, स्वीकार करते हैं आप इस बात को, पंजाब में कोई आतंकवाद था नहीं, सरकार आने के बाद जो है आतंकवादी वहाँ जो है सक्रिय हो गए, नहीं मत ये मानते हैं क्या, आप दिन भर चिल्लाए जाते खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाया करते, बीजेपी के लोग चिल्लाया करते खालिस्तान, तो पूछिए कहाँ से हो रहा है सब। अरे खालिस्तान तो कहाँ, खालिस्तान कौन मांग रहा है बताइए, आतंकवादी तो मांग रहे हैं, हम आप तो मांग रहे हैं, हमारा तो पूरा भारत है, पूरे भारतीय हैं हमारे, दिन भर भारतीय जनता पार्टी सारे राष्ट्र लोग हमारे पंजाब के लोगों को लेके खालिस्तान खाल चलाया करती है, इनसे पूछिए वहाँ सिक्योरिटी का बीजेपी का चला रही है, सरकारी नहीं बीजेपी, और इंटेलिजेंस क्यों नहीं शेयर करते प्रॉपरली। अच्छा गौरव जी, दो मिनट और, इससे पहले जो हत्याएं हुई थी वो तिहाड़ जेल में बैठ के हुई थी दिल्ली के अंदर। तकी भाई सुन लीजिए, सुनील भाई कुछ बोल रहे हैं जी, जैसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता या प्रवक्ता जो भी हैं भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ये भारत सनातन से चलेगा न शरीय से चलेगा, ये राष्ट्रीय कानून से और संविधान से चलेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून चलेगा, और बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून ने शरीयत की इजाजत दी है, कानून के अंदर देखिए तकी जी, तो ये शरीयत के नहीं चलना, शरीयत की इजाजत दी गई है भारत के संविधान के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो नहीं तो देश कहाँ चलाएंगे आप, सनातनी चलाएंगे या सरियस चलाएंगे, देश हम महान देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान चलाएंगे, परसों हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से धर्म चलेगा संविधान से, और मैं इस पक्ष एक नागरिक एक संविधान एक कानून बिल्कुल सबके ऊपर होना चाहिए, वहां न कोई सिख है न मुस्लिम न कोई हिंदू है न ईसाई है, सब भारतीय है, सब भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमें सम्मान करना चाहिए, अगर एक राष्ट्र एक कानून लागू होता है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, में एकता है तो आपको क्यों परेशानी उससे जी, ठीक है ठीक, नहीं देखिए परेशानी आपको जी, देखिए अब मैं दयाराम जी की तरफ आता हूँ, दयाराम जी ने बहुत अच्छा बात बताई, नाराज हो गए, नहीं नाराज नहीं हुए, मैं इनकी बात सहमत हूँ, इन्होंने कहा फीस वृद्धि, अच्छा फीस वृद्धि तो वास्तव में गवर्नमेंट कर रही है, इससे लोग बहुत पीड़ित हैं,
छात्रों के भविष्य भी सवाल बन रहा है कि अगर इतना फीस लागू कर दोगे तो गार्जियन कहां से देगा। अभी कोरोना के दर्द से गार्जियन उभरा नहीं है, देश नहीं उभरा, गार्जियन छोड़ दिए। गौरव जी, सबसे ज्यादा इस कोरोना में मध्यम वर्ग मरा है। बिल्कुल मरा, बिल्कुल मरा है। हमको ना फीस सुविधा मिली कोई, ना बिजली में सुविधा कोई मिली, और टैक्स जो भी होता है टैक्स पे ही ज्यादातर मीडियम क्लास ही है। लोअर क्लास के लिए तो गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया भाई, उनको भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हमें क्या मिला। गवर्नमेंट को इस पे भी चिंतन करना चाहिए, नहीं 24 चुनाव में। भाई पर एक सवाल और है जी। क्या है, अभी हाल में जानकारी ये मिली है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो एसोसिएशन है वो आगामी सत्र यानी 22-23 में फीस 10% बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब अगर 10% बढ़ाने वाले हैं तो इसके लिए कौन रोड पे उतरे, अभिभावक उतरे या उनका संघ उतरे या फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है। गौरव जी, अभिभावक नहीं उतर सकता है, हमारे पास कमाने के लिए समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम रोड कहां जाएंगे? ये जिम्मेदारी मेरी राजनीतिक पार्टियों की जो विपक्ष में बैठी हैं, वो हमारा मुद्दा गवर्नमेंट सामने उठाए लाके कि भाई गार्जियन बहुत परेशान हो रहा है। हाँ। इसीलिए संविधान में विपक्ष बनाया गया था कि जो कमियां हो, मजबूत 111 सीट की सर आया हुआ भाई, सुपा वाले भी भाई साहब विधायक लेके बैठे हुए हैं, लड़िए भाई रोड पर। तो अब सोच तो यही है कि भाजपा के सामने कोई विपक्ष मजबूत है ही नहीं जो जनता के सारी बातों को लेकर के सड़क पे बहस करे। कोई नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, बस एक मिनट और टाइम आपको लूंगा। आपने कहा कि समान शिक्षा की बात जी, दयाराम जी, मेरे ही खबर पे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में कहा था कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। ये मुहिम में आज से नहीं 25 साल हो गए हमको लिखते लिखते कि कृष्ण सुदामा कब पढ़ेंगे एक साथ में। भाई बहुत लंबे समय मुहिम चला रहे जी जी, ये मुहिम हम दोनों मुहिम में बहुत दिन चला रहा था, लेकिन आखिरी मैंने देखा कि समान शिक्षा इस देश में लागू करना एक मुंगेरीलाल सपना है। कोई नहीं चाहता समान शिक्षा लागू हो। मैं एक बार लेता हूँ सबर भाई, ये दयाराम भाई आपकी बात पर बोल रहे थे, यहाँ पर बीजेपी जो है काम वाम कर नहीं रही है और केवल यहाँ पर फीस बढ़ा रही है, छात्रों का लाठीचार्ज कर रही है, परेशान कर रही है, वो हम इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष करना एक अच्छी बात है, उपज को करना भी चाहिए। हाँ। और हम तो ये देखेंगे कि दयाराम जी कब लखनऊ की विधानसभा के सामने आकर संघर्ष करेंगे। हाँ। लेकिन जो मुद्दा था ये कैसी बात हुई है, ये जो मुद्दा था उस मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये शुरू से मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं डिबेट पे आया हूँ, ये हमेशा मुस्लिम विरोधी रहे, कभी भी इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। इससे पहले जब पसमांदा की बात थी तब भी इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। अच्छा। मैनपुरी में इन्होंने सारी जातियां गिना दी लेकिन किसी भी मुसलमान का नाम नहीं लिया। अच्छा। ठीक है, इनकी मानसिकता जो है अयोध्या रहने वाले हैं, नहीं नहीं अयोध्या रहने वाले हैं, तो कम से कम इनको नाम तो लेना चाहिए, नाम तो लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये सुनील जी भाई साहब ने कहा कि सुनील जी भाई साहब ने कहा कि ये देश संविधान से चलना चाहिए। देखिए सुनील जी, भारत एक हिंदू राष्ट्र था, ठीक, यहाँ पर आक्रमणकारियों ने कब्जा किया और अपने अपने धर्म के हिसाब से देश को चलाया। सनातनी, मैंने क्या कहा, सनातन को धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है। अब ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए कि छुट्टी रविवार को होगी या छुट्टी जो है आपके जुमे को होगी, छुट्टी जो है वो मंगलवार को इस देश में होनी चाहिए, जो सबको मानना चाहिए, क्योंकि हम सब भारत में अब रह रहे हैं। और ये जरूरी है कि इन इतवार रविवार और जुमे की छुट्टी को खत्म करके और छुट्टी जो है वो दयाराम भाई आपके पास कहना चाहता हूं। दयाराम भाई मुस्कान की बात बोल, दयाराम भाई बोलिए। देखिए देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है हमेशा मुद्दों को भटका रहे हैं। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम का समर्थन करते हैं या विरोध, आप बताइए। दयाराम जी, आप मुस्लिम विरोधी हैं या समर्थन करते हैं? आप नाम लीजिए पहले, आप पहले नाम लीजिए, आज आपको नाम लेना पड़ेगा। आप किसी डिबेट में मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं, आपने पसमांदा मुसलमानों का नाम नहीं लिया, आपने मैनपुरी में 500 जातियां गिना दी लेकिन मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया आपने। आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी है, आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी है और भाजपा को बदनाम करते हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं आप। बताइए, आप लीजिए मुसलमानों, आप लीजिए, आप कहिए कि मैं जुमे का विरोध करता हूँ, जुमे की छुट्टी का विरोध करता हूँ, जुमे की छुट्टी का विरोध करता हूँ, आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। आप मंगल का समर्थन करते हैं, आप मंगल की छुट्टी का समर्थन करते हैं कि नहीं, आप बताइए। आप अयोध्या में रहते हैं, आप बजरंगबली के भक्त हैं, आपने कहा, आप बताइए। छुट्टी अगर मंगलवार को होती है तो आपको आपत्ति क्या है? छुट्टी अगर मंगलवार को होती है तो आप अपनी आपत्ति बताइए। अच्छा, आप अपनी आपत्ति बताइए, अगर मंगलवार को छुट्टी घोषित होती है आप अपनी आपत्ति बताइए। नहीं, आप आपत्ति बताइए, आप बताते हैं मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। रविवार गुलामी का प्रतीक, मुसलमानों का मुस्लिम विरोधी क्यों बोल रहे? ये मुस्लिम विरोधी है इसलिए कि जब मैनपुरी का
चुनाव हो रहा था, इन्होंने 500 जातियां गिना दी। मैंने इनसे पूछा कुछ पसमानदा मुसलमानों के लिए बोल दीजिए, ये नहीं बोले, क्योंकि ये भी पसमानदा मतलब पिछड़ा, ये भी पिछड़ी जात से आते हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके बाद फिर भी एक डिबेट में आए, मैंने इनसे पूछा भाई पसमानदा का सम्मेलन कराएंगे, मुसलमानों का सम्मेलन कराएंगे, ये कभी मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं। दयाराम जी, मानसिक रूप से आप मुसलमानों के विरोधी हैं, इस बात को आज आप स्वीकार कर लीजिए और यह बताइए जुमे की छुट्टी के आप समर्थन में या विरोध में, आप बताइए आप जुमे की छुट्टी के समर्थन में या विरोध में। आप जिस मुद्दे पर आप आए हैं उस मुद्दे पर एक शब्द बोल दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना, आप बोल दीजिए। जिस मुद्दे पर आप डिबेट करने आए हैं उस पर आप बोल दीजिए, जुमे की छुट्टी का विरोध करते हैं या नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जिस मुद्दे पर आए उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, जिस मुद्दे पर आए उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, एक टिप्पणी दयाराम जी, एक टिप्पणी, एक टिप्पणी। आप स्वीकार करो, 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 आप मंगलवार की छुट्टी का समर्थन करते हैं नहीं, आप समर्थन करते हैं नहीं, आप समर्थन करते हैं नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जिस मुद्दे पर आप आए उसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जिस डिबेट पर आए उस पर जवाब दीजिए, जिस डिबेट पर आए उस पर आपने एक भी बात नहीं की, जिस डिबेट पर आए पाए हैं उस पर आपने एक भी टिप्पणी नहीं की, जिस डिबेट पर आए हैं उस पर आपने एक भी टिप्पणी नहीं की। दयाराम जी मुस्लिम विरोधी है आप, मुस्लिम विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी हो आप, मुस्लिम विरोधी, आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी, आप मुस्लिम विरोधी हो, आप मुस्लिम विरोधी हो, आप मुस्लिम विरोधी हो, कभी अपने नाम नहीं बोलते हो, कभी अपने नाम अपने मुसलमान क्या बोलते, आप बोलिए, आप बोलिए मुसलमान, आप बोलिए मुसलमान, आप बोलिए मुसलमान, आप मुसलमान बोलिए, आप मुसलमान बोलिए, आप कट्टर मुस्लिम विरोधी हो, आप कट्टर मुस्लिम विरोधी हो, कट्टर मुस्लिम विरोधी हो, कट्टर मुस्लिम विरोधी, कट्टर मुस्लिम विरोधी हो, आप कट्टर मुस्लिम विरोधी हो। अभी आपको चुनाव में जाना है, नगर निगम निकाय के चुनाव में जाना है, आप बताइए आप मुसलमानों, आप जुमे का विरोध करते हैं नहीं, बताइए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक, आपको चुनाव में उतरना है, आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, समय हो गया, समय हो गया, हम आपको बताइए, आप मंगल की छुट्टी के समर्थन में विरोध में, मंगल की छुट्टी के समर्थन में विरोध में, आप बताइए, बताइए, आप जवाब दीजिए। ना हाओ ना और हाओ ना, मुस्लिम विरोधी दयाराम जी, आप मंगल की छुट्टी के समर्थन में हैं या विरोध में? आप बजरंग बली के भक्त हैं, बताइए। मैं मंगल के छुट्टी के समर्थन में हूँ, लेकिन महंगाई क्या आप कम करेंगे, हाँ या ना? चले महंगाई जनता, महंगाई जनता तय करेगी, महंगाई जनता तय करेगी। अगर आपको तय करना सड़क पर आइए, आपको तय करना सड़क पर आइए, महंगाई जनता तय करेगी चुनाव में, चलिए ठीक है, महंगाई तय करेगी जनता चुनाव में। अगर आपको लगता है तो सड़क पर आइए, आइए सड़क पर, आइए सड़क पर, समय ऊपर हो चुका, समय ऊपर हो चुका, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चर्चा थी कि मदरसों पर जिस तरह की शुक्रवार की छुट्टी को खत्म कर रविवार को छुट्टी रखने का प्रस्ताव लाया गया है, और 2 घंटे की छुट्टी शुक्रवार को करने की बात यहाँ पर की गई है। अब फिलहाल ये मुद्दा अभी चर्चा बना हुआ है, आगे पर प्रस्ताव लाया गया है, संशोधन होगा कि नहीं होगा, ये प्रस्ताव पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, और प्रस्ताव को मुहर लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो जो चुनौतियां सामने आने आई उनको आप चुनौतियों खत्म करिए। छुट्टी किस दिन होनी चाहिए, किस दिन नहीं होनी चाहिए, ये अलग विषय है, और इस पर चर्चा के बाद आप फैसला ले सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आगे आए और अपनी सहमति के साथ इस पर अपनी अपनी बात रखे, तब इस मामले पर पटाक्षेप हो सकता है। पर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो हर मुद्दे पर गरमाई चली जाती है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप करता है, पर विपक्ष संघर्ष धरातल पर करना नहीं चाहता है। बात रखते हैं फीस की, बात रखते हैं महंगाई की, बात रखते हैं बेरोजगारी की, पर कोई भी विपक्ष सरकार के खिलाफ जमीनी संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। जब जमीनी संघर्ष नहीं होगा तो जनता जनाधार क्यों रहेगी, और जब जनाधार नहीं मिलेगा तो यहाँ पर परंपरा जो चल रही है वही चलती रहेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब विपक्ष है तो दिखना जरूरी है, कहा जाता है ना, अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। केवल बात से काम नहीं बनने वाला है, केवल बयान से काम नहीं बनने वाला है, और ना काम बनेगा सोशल मीडिया और ट्वीट से। अगर वास्तव में अपने आप को आगे बढ़ाना है, कुछ परिणाम लाने हैं, कुछ बदलाव करना है, तो संघर्ष करिए धरातल पर, ना कि सोशल मीडिया पर। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।